अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत दे, आफियत दे और आपके तमाम मसाइल को हल कर दे और हर तरह के शर से आपकी हिफाजत करे। आज मैं बना रही हूँ चिली गार्लिक वेजेस। बेसिकली ये पोटैटो वेजेस की रेसिपी ही है जिसे मैंने चिली गार्लिक का फ्लेवर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल सुपर क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो कैसे बनाएंगे इन्हें, चलिए देखते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने लिए हैं 6 मीडियम साइज़ के आलू। ये थोड़ा छोटे साइज़ में हैं तो मैं इन्हें एक ही काउंट कर रही हूँ। तो अब इन्हें बीच में से इस तरह से काट लेंगे और फिर इनको भी बीच में से इस तरह से काट लेंगे। और इस तरह से आप जितने पतले या जितने मोटे चाहें इस तरीके से इनको कट करके रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरीके से इनको कट करना है। तो इस तरीके से हमारे सारे पोटैटो वेजेस बनकर तैयार हैं। अब बारी आती है इन्हें धोने की। तो इसके लिए मैंने इन्हें एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इन्हें धो लेंगे। आलू धुल गए हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब यहाँ मैंने ले लिया है पानी, इसको बॉयल आने तक मैं पकाऊंगी। अब पानी में उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धुले हुए आलू। अब आलू इसमें ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट तक और पका लेंगे। बीच में मैंने इन आलूओं में 1 टीस्पून नमक भी डाला है। अब 5 मिनट हो गए हैं और आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना हमें इन्हें। अब आलूओं को इस पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे आलू हमने निकाल लिए हैं। अब आप चाहें तो इसे किसी कपड़े पर फैलाकर सुखा लें या फिर मेरी तरह स्ट्रेनर में ही रहने दें जब तक हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। इनका पानी भी ड्रेन आउट हो जाएगा और ये ठंडे भी हो जाएंगे। तो अब इसकी स्लरी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल इतना बड़ा लीजिए कि इसमें एक साथ सारे पोटैटोज आ जाएं। अब इसमें मैं लूँगी 1/2 कप मैदा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ओरिगेनो और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो यहाँ करीब 1/2 कप पानी डालकर मैंने बैटर को तैयार किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जिसे हमने ठंडा होने के लिए रखा था और इसे हल्के हाथों से अच्छा सा मिक्स दे देंगे ताकि सारा बैटर आलू पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो अब इसको एक साइड रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है फ्राइंग पैन जिसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक करके आलू ऐड करते जाएंगे। जब सारे आलू डाल देंगे तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इन आलूओं को अब क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। चाहे तो इन्हें आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, इससे ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगेंगे। और अब इन आलूओं का कलर गोल्डन हो गया है और ये एकदम क्रिस्पी से हो गए हैं। तो अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हैं पोटैटो उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और उनको भी निकाल के प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे पोटैटो वेजेस बनकर तैयार हैं। अब हम एक दूसरा वेसल ले लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। बटर जब गर्म हो जाएगा तो 5-6 लहसुन की कलियाँ लेंगे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है और इसे मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का जो बढ़िया सा फ्लेवर है इसमें आ जाए। और 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इनको आपस में मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे अपने पोटैटो वेजेस और इन्हें अच्छी तरह टॉस कर लेंगे ताकि ये सारा मसाला वेजेस पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये देखिए, अब सारे पोटैटो वेजेस हमने अपने बटर वाले मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लिए हैं और
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आलू के ऐसे ही क्रिस्पी पराठे की रेसिपी भी डेफिनेटली देखना चाहेंगे, उसके लिए राइट क्लिक कीजिए। और अगर आप क्रिस्पी और डिलीशियस से शाही टुकड़े खाना चाहते हैं तो रेसिपी लेफ्ट साइड में है, क्लिक इट। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।